गोली प्रखंड के सिकरना नदी के किनारे के रिंग बांध की मरम्मत अब तक नहीं होने से इस बरसात में भी बाढ़ आना तय है। फसलों के साथ साथ जान माल की भारी क्षति से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। वर्ष 2021 में आई बाढ़ से खूब तबाही मचाई थी, उसके बाद भी नखपर प्रखंड के कई जर्जर बांधों की मरम्मत कार्य अब तक शुरू नहीं किया गया है। पिछले बाढ़ में सकुल पाकड़ पंचायत के लालपरसा गांव में धुमली टोला से जुड़े उत्तर की ओर पश्चिमी चंपारण जिले के मझोलिया प्रखंड के गुदरा पंचायत सहित करीब 1700 फीट रिंग बांध नदी की धारा में समा गई है, जिससे नदी की धारा बिल्कुल खुली हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि अब तक रिंग बांध मरम्मत के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर ली गई है। शिकायत करने पर भी किसी अधिकारी के द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके कारण अब सिकरना नदी एक बड़ी आबादी के लिए अभिशाप बन रहा है। स्थानीय विधायक सांसद की बातें भी चुनावी घोषणा बनकर रह गई है। अधिकारियों का दौरा भी खूब होता रहा, पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। स्थानीय लोगों और किसानों का कहना है कि उन लोगों ने पिछले 3-4 वर्ष से इस क्षेत्र में खेती करना बंद कर दिया है, क्योंकि बरसात के शुरू होते ही नदी की धारा से पूरा क्षेत्र डूब जाता है। इसको लेकर आसपास के निवासी और किसान काफी आक्रोशित है। टूटे बांध को लेकर भाकपा माले के प्रखंड सचिव भोला साहा और कमेटी सदस्य भोला राम और अनिल राम लालपरसा पहुंचे, जहां उन्होंने नदी बांध की स्थिति देखी और लोगों को आश्वासन दिया कि इसको लेकर हमारी पार्टी जल्द से जल्द बांध बनवाने के लिए अधिकारियों से बात कर इसका निदान निकलवाया जाए। आज उनका सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार नहीं है, उनके सरकार है। दोनों आदमी साठ गांठ संगठन में उनका सरकार है। यहाँ से लेकर वहां तक जितना बाढ़ आ रहा है स्थानीय विधायक के चलते आ रहा है, और ये अपने क्षेत्र में कहते हैं कि लालपरसा के लोग बांध नहीं बांधने देता है, ये सब गलत बात है। लालपरसा के लोग बांध बांधने के लिए तैयारी, आप क्या कीजिए कि वहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर बनवाइएगा तो लोग बांध बांधने देगा। नदी के किनारे बांधिए रिंग बांध और उस पर बोरा का जो है सो ऐसे लगवाइए, नहीं कटेगा उसी तरह से रह जाएगा। अधिग्रहण होगा, जमीन हुआ कि अधिग्रहण होगा। यहाँ पर सीओ साहब आए, उनका अमीन आया, हर एक नक्शा बनाकर हर एक आदमी के खाता खेसरा नाम सब लिख कर लेकर कहे कि आप लोग का पैसा मिलेगा और बांध भराएगा। अभी तक न पैसा मिला है, ना किसी पदाधिकारी से यहाँ पर दर्शन हो रहा है, ना भेंट हो रहा है। बाढ़ आएगा तो ये लोग आएगा झूठ मूठ के जुमला दिखाने कि हम गए थे वहाँ पर बांध का ये कर रहे हो कर रहे हैं। निरीक्षण में भाकपा माले के द्वारा आए हैं। लालपरसा जिस गांव का जगह पर, जिस जगह पर हम आए हैं, 2017 की बाढ़ में पूरा इलाका बाढ़ से डूब गया था। पूरा तबाही तबाही, सड़क से लेकर हर चीज, जनता को काफ़ी कठिनाई उठाना पड़ा। यहाँ के जो समस्या है, यहाँ आरोप लग रहे हैं माननीय विधायक शशिभूषण सिंह पर, यहाँ आरोप लग रहे हैं मगर सरकारी प्रशासन पर। मेरा एक ही सवाल इसमें है कि जो किसान का जो जमीन है वहाँ कहीं भी बात नहीं है, उनकी उचित मुआवजा मिलना चाहिए भूवंजन विभाग से, और इसका जवाबदेही ये अंचलाधिकारी और डीएम है, और तीनों ने मिलकर यहाँ जनता के साथ, यहाँ के किसान के साथ जासूसी करने का ये मामला बन रहा है। इसलिए जब किसान अपना जमीन देने के लिए तैयार है, उनका मूल कीमत जो है वो किसान को मिलना चाहिए, जिसके कारण इसमें घपलाबाजी का मामला, जिसके कारण आज तक ये बांध नहीं बनाया। मैं सवाल उठाऊंगा सीओ पर, मैं सवाल उठाऊंगा स्थानीय जिला अधिकारी पर, इसलिए कि मैं 2017 से पूरे सुगौली में, भवानीपुर में बांध कट गई, घर कट गई, आज तक वहाँ के लोगों को गरीब को मुआवजा नहीं मिला। यहाँ भी परसा में जो देख रहे हैं बांध, यहाँ 2 किलोमीटर लाल परसा बांध में 2 किलोमीटर से अधिक यहाँ रिंग बांध भी बना दिया, बन जाए तो यहाँ के गाँव के यहाँ किसान मजदूरों को जीवन को बचाया जा सकता है। मगर दुष्ट प्रशासन और प्रशासन की कुछ लोग, चमचागिरी करने वाले लोग, यह लाल परसा की खुशी को नहीं देखना चाहते हैं। हम उनसे मांग करते हैं कि यदि अगर आप घमंड में चूर हैं तो मैं भाकपा माले की हैसियत से मैं आया हूं, और आपको एक हफ्ते के अंदर में अगर लाल परसा बांध नहीं बनाया, अगर नहीं बनाया तो आपके कार्यालय में तालाबंदी होगा, और तालाबंदी होगा तो सारा जवाबदेही आप दीजिएगा, और जो भी घटना घटेगा यहाँ का डीएम और यहाँ का सीओ दोनों जवाब देंगे, प्रशासन जवाब दी होगा।